हेलो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हमें ये लर्न करना है कि सीएसएस के फाइल्स आप पीएचपी फंक्शंस के थ्रू कैसे लोड कर सकते हो, और जो आपका फंक्शन जनरेट होने वाला है वो आपका एक जनरल फंक्शन। एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लें। लेट्स से हमारे पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर अवेलेबल है। विद इन दिस फोल्डर स्ट्रक्चर अ फाइल इज अवेलेबल, दैट इज जनरल फंक्शन डॉट सीएसएस। एंड विद इन दिस सी एस एस फोल्डर वी हैव थ्री डिफरेंट फाइल्स। हमारे पास तीन अलग अलग फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तीनों फाइल को गो थ्रू कर दें। सो जनरल फंक्शन डॉट सी एस एस में अगर आप गो थ्रू करोगे, सो हमने तीनों फाइल को सी एस एस फोल्डर के थ्रू यहाँ पे लोड करके रखा हुआ है। दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डॉट सी एस एस। तीनों फाइल में अगर आप गो थ्रू करोगे तो इंडिविजुअली वहाँ पे बैकग्राउंड कलर अवेलेबल है, फॉन्ट साइज अवेलेबल है, एंड एज वेल एज रेड कलर अवेलेबल। तो अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पे ये जनरेट करके मिलेगा। बट ये स्ट्रक्चर में लेट्स से हमारे पास विद इन सी एस एस फोल्डर अप्रॉक्सीमेट 15 फाइल्स अवेलेबल है, तो हमें ये लिंक टैग मल्टीपल टाइम अप्रॉक्सीमेट 15 टाइम्स हमें लिखना होगा। सो दिस इज अ मोनोटोनस वे। अगर आप ऐसा वही जनरल फंक्शन लिखते हो जिसके थ्रू आपको ये मल्टीपल टाइम जो लिंक टैग लिखना हो रहा है वो आप रिमूव कर सकते हो, तो ये पीएचपी के थ्रू आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमें ये फंक्शन लिखना है। ये फाइल हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और ओरिजिनल रिजल्ट आपका ऐसे जनरेट होगा। ये स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए यस वी नीड अ पीएचपी फंक्शन, और ये हमारा जनरल फंक्शन जनरेट होने जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू कॉल अ फंक्शन, एनी फंक्शन आप जिसको जो नाम लिखना चाहे लिख सकते हो। जैसे हमें फंक्शन का नाम लिखना है सी एस एस, और फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन सी एस एस, फर्स्ट आपको ये डिफाइन करना होगा कि कौन से फोल्डर से आप ये फाइल जनरेट करना चाहते हो। सिंस हमारा फाइल यहाँ पे है और हमें फंक्शंस जो यूज़ करना है ये सी एस एस फोल्डर के थ्रू हमें ये फाइल को लोड करना है, तो हमारा यहाँ पे फोल्डर का जो नाम होगा दैट विल बी सी एस एस। और ये फोल्डर जो है ये आपका वन ऑफ द पैरामीटर है जो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो लेट्स से फोल्डर अगर रन करते हैं हम लोग यहाँ पे फोल्डर नेम को, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ पे तो वो रिजल्ट होगा आपका फोल्डर का। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं रिजल्ट, तो ये जो फोल्डर नेम है वो यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो हमने फर्स्ट फोल्डर को अप्रोच कर लिया है। अभी ये फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स अवेलेबल है इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, देन देयर इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप फाइल को रिसीव कर सकते हो। वो फंक्शन का जो नाम है स्कैन डायरेक्टरी, ये फंक्शन अवेलेबल। ये स्कैन डायरेक्टरी में अगर आप फोल्डर का नेम अगर पास करोगे, तो जो भी फोल्डर का पाथ होगा उसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सब फाइल्स आपको एक एरे में स्टोर करके मिल जाएगा। दैट्स हमारा एरे का नाम है रिजल्ट, और ये रिजल्ट को हम प्रिंट कर देते हैं फॉर्मेटेड वे से। तो प्री टैग के अंदर रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, और एट द एंड जो रिजल्ट जनरेट होगा, तो सी एस एस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स अवेलेबल होंगे वो सब फाइल्स आपको ये डॉलर रिजल्ट के अंदर एज एन एरे यहाँ पे स्टोर करके मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं डॉलर रिजल्ट में क्या अवेलेबल है। यस, द नंबर ऑफ फाइल्स विच इज अवेलेबल इन सी एस एस फोल्डर एंड विद फोल्डर के हेडर्स के साथ यहाँ पे जनरेशन हो चुका है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं। यस, वी हैव थ्री डिफरेंट सी एस एस फाइल्स इन सी एस एस फोल्डर। नेक्स्ट, सिंस हमारे पास फाइल फैसिलिटी अवेलेबल है, सो वन बाय वन हर एक फाइल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लूप यूज़ करेंगे वो लूप का नाम है फॉरिश लूप। सो फॉरिश लूप से आप एरे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो फॉरिश लूप, जैसे फॉरिश लूप में इनपुट एरे और आउटपुट जो होगा आपका फाइल का नाम है। तो हर एक इंडिविजुअल फाइल को हमें प्रिंट करके चेक कर लेना है। जैसे फाइल नेम एंड कॉन्केट कर लेते हैं ब्रेक टैग के थ्रू, जैसे हर एक फाइल नेम वन बाय वन लाइन बाय लाइन डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट प्रिंट कर दे तो यस, हमारे पास सब फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फाइल। अभी हमें प्योरली सीएसएस का फाइल अगर लोड करना है तो डेफिनेटली हमें ये फाइल में से एक्सटेंशंस रिमूव करना होगा, एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करना होगा, देन ओनली वी कैन चेक इट आउट। और जो भी सीएसएस के लिंक टैग के थ्रू हमें जो प्रोसेस करना है हम लोग ये फाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टास्क है ये फाइल में से एक्सटेंशन निकालना। सो एक्सटेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फंक्शन का नाम है सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में हमें फाइल का नेम पास करना है,
और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वो लास्ट के तीन कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो सेकंड पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटर होगा माइनस थ्री। थ्री मतलब आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड माइनस थ्री मतलब कैरेक्टर फ्रॉम द एंड सेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे डॉलर एक्सटेंशन तो जो रिजल्ट जनरेट होगा वो रिजल्ट में आपको प्योर एक्सटेंशन यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाएगा। सो सब फाइल्स के जो आपके एक्सटेंशन होंगे वो सी एस एस यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी सी एस एस का एक्सटेंशन है वो चेक कर लेते हैं, और जो भी फाइल सी एस एस के है सी एस एस फोल्डर के अंदर उतनी ही फाइल हम लोग लिंकेड थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टास्क होगा हमारा कंपेरिजन करना सी एस एस एक्सटेंशन के थ्रू। लेट से कंपेरिजन कर लेते हैं। सो इफ अगर डॉलर एक्सटेंशन इट इज इक्वल टू सी एस एस, अगर डॉलर एक्सटेंशन सी एस एस के साथ मैच हो गया तो जितने भी फाइल है वो हर एक फाइल को हमें जो फोल्डर है और फोल्डर का नाम है हमारा सी एस एस, तो ये फोल्डर में से जितने भी फाइल्स हैं ये फाइल्स को हमें क्या करना है एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू जनरेट करेंगे। तो लिंक टैग यहाँ पे जनरेट करते हैं। लिंक टैग में फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका एट्रीब्यूट दैट इज एच आर ई एफ, एंड सेकेंड पैरामीटर होगा रिलेशन विद स्टाइल शीट। रिलेशन स्टाइल शीट ये इनबिल्ट पैरामीटर है, एंड एच आर ई एफ में फर्स्ट होगा आपका फोल्डर का नाम एंड सेकेंड वन जो होगा आपका फाइल का नेम होगा। सो फोल्डर नेम के थ्रू फाइल नेम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, और जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट प्रिंट। तो अभी जो हमारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो नॉर्मल पैरामीटर्स नॉर्मल विदाउट सी एस एस यहाँ पे लिंकिंग है। अगर हम लोग व्यू सोर्स करेंगे फाइल में हमारे पास एक भी लिंक टैग अवेलेबल नहीं है जिस आदि कमेंटेड एरिया, अभी एक भी हमारे पास सी एस एस फाइल अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट पेज रिफ्रेश कर दें और रिजल्ट चेक करते हैं। सी दिस आर दी डिफरेंट डिफरेंट सी एस एस विच इज अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फाइल। तो व्यू पेज सोर्स करके अगर देखते हैं तो फर्स्ट डॉट सी एस एस अवेलेबल है, सेकेंड डॉट सी एस एस अवेलेबल है, एंड थर्ड डॉट सी एस एस अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा एक जनरल फंक्शन जिसके थ्रू अभी आपके सी एस एस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो सब फाइल्स आपका ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा कोई भी लिंक टैग लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपल एग्जांपल ले दे, इट्स एक नया फाइल जनरेट कर दे फोर्थ डॉट सी एस एस, सी एस एस फोल्डर के अंदर फाइल बना लेते हम लोग फोर्थ डॉट सी एस एस, और ये फाइल को हमें लोड करना है। और यहाँ पे बॉडी टैग में लिख के रखते हैं लेट्स ए लिंक या तो लिस्ट स्टाइल या कुछ भी लिख के रखते हैं, लेट्स ए फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक पैटर्न से लिख के रखते हैं। अभी अगर आपको ये फाइल को रन करना है तो प्रैक्टिकली हमें लिंक टैग के थ्रू हमें क्या करना होगा, ऐसे कॉल करना होगा लिंक टैग, एंड देन लेटर ऑन हमें यहाँ पे फाइल का नाम फोर्थ डॉट सी एस एस ये रिप्रेजेंट करना। बट राइट नाउ जो हमने फंक्शन यूज किया है वो फंक्शन का जो रोल है ये फंक्शन क्या करेगा सी एस एस फोल्डर के अंदर प्रोसेस करेगा, और जितने भी सी एस एस के फाइल्स है वो हर एक फाइल को वन बाय वन लोड करेगा वाया दिस फॉरिच लूप के थ्रू। अगर वो फाइल का एक्सटेंशन सी एस एस मिला तो जो फोर्थ पैरामीटर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज फोर्थ डॉट सी एस एस आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। राइट नाउ जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट है उसमें फॉन्ट स्टाइल इटैलिक पैटर्न नहीं है, अगर आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक अपने यहाँ जनरेट हो जाएगा। और अगर आप व्यू पेज सोर्स करोगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड के बाद जो फोर्थ डॉट सी एस एस है ये भी अवेलेबल है। सो दिस इज अ जनरल फंक्शन, ये आपका एक जनरल फंक्शन हो गया। आपके विद इन अ फोल्डर में जितने भी सी एस एस फाइल है अगर उसे हमें विदाउट यूजिंग लिंक टैग और विदाउट राइटिंग इवन एच टी एम एल कोड अगर आपको कंटिन्यूसली लोड करना है देन दिस इज अ जेनेरिक फंक्शन विच कैन बी रिटर्न वंस, और ये फंक्शन को आप अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पर भी यूज कर सकते हो। कन्फर्म ये हमारा कोड रिड्यूस भी कर रहा है एज वेल एज इट्स अ न्यू वे टू कॉल एनी फाइल, यू कैन कॉल सी एस एस फाइल ऑल्सो एंड यू कैन कॉल जे एस फाइल ऑल्सो। So maybe this will be useful and helpful to you. Thank you very much.